ये देखिए फ्रेंड्स, सलवार बनने के बाद में कुछ इस तरीके से आई है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, जो आपको इसको कटिंग का वीडियो उसमें मिल जाएगा। नहीं मिले तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कटिंग का, कि कटिंग किस तरीके से करते हैं, और आज की वीडियो में हम आपको सिलाई बताएंगे। तो सबसे पहले कल हमने बताया था कि हमने पूरा पिनअप कर लिया है, वो तरीका आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने इसकी प्लेटें भरी हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है सिलाई में, कि जो इसकी प्लेटें हैं इनको हम इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेंगे और ये पिन निकाल देंगे। इस तरीके से प्लेट को पकड़ के ही सिलाई लगानी है आपको, ताकि हमारी जो प्लेट है वो इधर उधर को ना खिसके। और कटिंग की वीडियो चाहिए तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ जाके आप देख सकती हैं। और मेरा एक कविता टॉक नाम से चैनल है, प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब करें, आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ शेयर किया है, आप वहाँ जाके देख सकती हैं। उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको साड़ी वगैरह सीखना है या फिर कोई भी डिजाइन सीखना है तो गीता शर्मा क्रिएशन के नाम से चैनल है, आप वहां जाके देख सकती हैं, वो बहुत अच्छी साड़ी बनाती हैं। गीता फैशन क्रिएशन के नाम से है, उन्होंने अभी अपने उसका नाम चेंज किया है। तो देखिए इन प्लेटों को हम इस तरीके से पूरा भर लेंगे सिलाई लगा के। अब देखिए मैंने दोनों साइड को प्लेटें इसमें भर ली हैं, इस साइड भी और ये दूसरी साइड भी। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी ऐसे साइडें ऐसे पकड़ के, और जो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था यहाँ से हमको अपना आसन कंप्लीट कर लेना है, यानी कि अपने आसन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से पकड़ना है और देखिए दोनों आसन मिलाने हैं आपको, जो ये प्लेट की चौड़ाई वाला हिस्सा है उसको बराबर रखना है इस तरीके से जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, और फिर आसन को सिल के और ऊपर से डबल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल जैसे गोलाई आई हुई है उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी होगी। अब देखिए इसको वैसे सीधा करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे, ऐसा करने से फिनिशिंग और अच्छी आती है, और कपड़ा एक साइड को ही होना चाहिए हमारा, जब भी सिलाई लगाएं तो कपड़ा हमारा इस साइड को होना चाहिए या इस साइड को होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक साइड देख लो और फिर सिलाई लगाओ। और देखिए मेरे पास अभी एक कमेंट आई थी कि हम छोटी धोती सलवार बनाएं तो वो किस तरीके से बनाएं, तो देखिए अगर आपको छोटी बनानी है 35 इंच की या 34 इंच की, तो उसमें आपको बेल्ट कम लेनी पड़ेगी और बढ़वा मोहरी भी नहीं लगानी है उसमें, फिर आपको अपना आसन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने 8 इंच लिया था, फिर आपको 10 इंच लेना पड़ेगा अगर बेल्ट आप कम ले रही हो तो, क्योंकि अगर हम बेल्ट भी कम ले लेंगे और आसन भी छोटा लेंगे तो फिर हमारे यहाँ से नीचे से टाइट रहेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमने पूरी सिलाई लगा दी है, अब हम उसके बाद अपनी बेल्ट को इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने बताया था कि हम इसमें 2 इंच कपड़ा ज्वाइंट करेंगे, तो देखिए ये हमने 2 इंच कपड़ा इसमें अलग से ज्वाइंट कर लिया है, कल हमारा छोटा बैठ रहा था। अब उसके बाद हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे, ये देखिए आपको इस तरीके से दोनों पार्ट पकड़ने हैं ऐसे, और इसके सेंटर में आपको ऐसे कट लगा देना है इस तरीके से, और चौक से भी आप निशान लगा सकती हैं इसमें। तो देखिए ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है, अब ये हमने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब देखिए जो बैक का आसन था, ये बैक का आसन था, अब इस आसन को हम इस तरीके से मिलाएंगे और सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस साइड को लगा लेंगे फिर दूसरी साइड को लगाएंगे, और आपको सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पहले सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर हमको रखनी है ये अपनी बेल्ट,
और तब अपनी प्लेटों के ऊपर आपको सिलाई लगानी होगी। पहले ये साइड सिल लेंगे, फिर दूसरी साइड सिलेंगे, फिर इसका हम नेफा बनाना बताएंगे आपको। और ये कपड़े की सीधी साइड है और उल्टी साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए मैंने ये यहाँ से लेके और यहाँ तक सिल दिया है आसन आधा। अब आधा सिलना है हमें इस साइड का, जिससे हम अपनी बेल्ट का अंदाज़ा रहेगा कि हमारी बेल्ट कितने कपड़े में आ रही है। तो ये हमारी इस साइड से बिल्कुल पूरी आई है। अभी हम इस साइड से भी सेम ऐसे ही लगा लेंगे, और जो इसका ये एक पैर का हिस्सा है तो दूसरे पैर का हिस्सा भी होगा, तो उसको भी सेम हम ऐसे ही अपने को तैयार कर लेंगे, फिर नेफा बनाएंगे इसका। देखिए हमने ये पूरी बेल्ट जोड़ ली है दोनों पैरों की। अब उसके बाद हम इसमें नेफा बनाएंगे। तो नेफा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से करीबन आधा इंच के बराबर सिल देंगे, और फिर करीबन एक इंच के बराबर हम कपड़ा खाली छोड़ देंगे और फिर सीधी सिलाई लगा देंगे, और इस सिलाई को हम नीचे तक लेके आएंगे आसन तक। पूरा आसन सिल लेंगे इस साइड से। देखिए इस तरीके से दोनों आसनों को मिला के एक साइड का आसन हमने सिल लिया था पहले, अभी दूसरी साइड का आसन है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए जो ये धागा हमने छोड़ा था इसको कट कर लेंगे बैक से भी और फ्रंट से भी। अब उसके बाद इन दोनों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे नेफा बनाने के लिए इस तरीके से। सिलाई को हम यहाँ से इस साइड लेके और इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम आसन बनाएंगे, तो जैसे हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था तो हम इसको इस तरीके से, और हम इसमें चौड़ी वाली इलास्टिक डालेंगे, तो यहाँ से हम इसको इतना सिल देंगे। ये देखिए अब बिल्कुल राउंड में आपका कपड़ा खुद ही बराबर आ जाएगा, सिर्फ आपको अब ऐसे पकड़ते हुए सिलाई लगाते हुए चलना है इस तरीके से। और पूरे राउंड को आपको इसी तरीके से सिल के तैयार कर लेना है। फिर हम इसकी मोहरी की बताएंगे कि मोहरी किस तरीके से बढ़वा मोहरी लगाते हैं। तो चलिए हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आसन भी बना के तैयार कर लिया, अब बनाएंगे मोहरी। तो देखिए मोहरी से आपको 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा, और देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग लेके और इसको अंदर एक साइड से चिपका लिया और एक साइड से कपड़े पर अच्छे से प्रेस कर लिया, क्योंकि ये हमें बढ़वा मोहरी इसी तरीके से हम लगाते हैं। दोनों साइड से हमारा कपड़ा कवर होना चाहिए, और इसको हम ऐसे सीधी साइड को रखेंगे इस तरीके से रखने के बाद, और फिर हम इसे नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। पहले हम 2 इंच इधर की साइड निकाल देंगे बाहर की साइड, अगर आप जितनी भी इसे लंबी बनाना चाहते हैं सलवार को आप उतने इंच की बुकरम ले सकती हैं। हमारी सलवार जो पीछे से खिंचती है वो बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी और एकदम बढ़िया बनेगी, यानी कि जब हम ये मोहरी नहीं लगाते तो हम जब झुकते हैं तो पीछे से ऊपर की साइड हो जाती है सलवार, तो वो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारी सलवार एकदम परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ से एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। अब देखिए उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे, और इसमें हम ज़्यादा कुछ डिजाइन विजाइन नहीं बनाएंगे, इसको हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे
सिर्फ नीचे बॉटम पे लगाओ तो लगा सकते हो, वरना इसे ये ऐसे ही अच्छी लगेगी। तो जो इसका दूसरे साइड का बॉटम है हम सिर्फ वहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे, देखिए यहाँ, बाकी की हम प्लेन रखेंगे। अब देखिए मैंने मोहरी बना ली है, दोनों मोहरी इसी तरीके से। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे और देखिए अब आप जितनी भी चौड़ी पहनना चाहती हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसे 5 से 6 इंच तक रखूँगी, तो या तो मैं 5 रख सकती हूँ, लेकिन मैं इसे 6 रख रही हूँ। इस तरीके से तिरछा निशान लगा के और फिर यहाँ से सिलाई लगा लेनी है आपको। और दोनों साइड को आपको सेम ही लगानी है सिलाई, यानी कि जो आपका दूसरा वाला पहुँचा होगा, मोहरी होगी यानी, उसको भी आपको ऐसे ही नाप के और आसन तक सिलाई लगानी है। तो इसको हम अब तैयार कर लेते हैं, दूसरे पहुँचे को भी सिल के ऐसे ही। ये देखिए ये हमारा आसन आ चुका है, आसन बिल्कुल बराबर होना चाहिए इस सलवार का। और दूसरी मोहरी को भी सिलेंगे। अब यहाँ से धागे को कट करके, और देखिए हमने दूसरी मोहरी को भी सेम इसी तरीके से बना लिया है। ये हमारी दूसरी मोहरी है। अब हम बिल्कुल इसी से 6 इंच नाप के और अपने इसको भी तैयार कर लेंगे, फिर इसको हम आपको इसका पूरा लुक दिखाएंगे। देखिए हमारी सलवार बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसका लुक पूरा देख सकती हैं कि जो हमारी ये प्लेटें हैं वो किस तरीके से आई हैं, और बैक से भी और फ्रंट से भी। देखिए कितनी अच्छी से प्लेटें आई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलाई का वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने की इसमें कोई पैसे नहीं है, और इसका कटिंग का वीडियो हमने पहले से ही अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पर देख सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए सलवार बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकती हैं इसका पूरा लुक। और इसका जो कटिंग का वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। और अब आप इसका पूरा लुक देख सकती हैं, यानी कि बैक से, फ्रंट से, चारों तरफ से, मोहरी से, कहीं से भी हमारा कोई खिंचाव नहीं, कुछ नहीं। और प्लेटें तो इसकी इतनी अच्छी आई है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बनने के बाद में 10 गुना ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आता है, अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।